शिवरात्रि के पहले पखवाड़े में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रामगढ़ सेवा केंद्र से आध्यात्मिक शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का उद्घाटन समाज सेवी कमल बगड़िया ने दीप जलाकर किया। शोभा यात्रा में सभी धर्म की एकता को प्रस्तुत किया गया। सभी धर्म के वही भगवान शिव का वेश धारण किए हुए बालक इस झांकी का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस मौके पर इस शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रही निर्मला बहन ने कहा कि शोभा यात्रा से मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण बनाने का ज्ञान मिलता है, जिससे जीवन यात्रा में दिव्य गुण बढ़ जाती है। यह शोभा यात्रा जन जन को आध्यात्मिक रूप से जागृत करेगी और भक्तों को भगवान तक पहुँचाने का मार्ग बताएगा। अन्य भक्तों ने कहा कि भक्तों को भक्ति का फल देने वाले भगवान शिव को भी धरती पर आना पड़ता है। भ्रष्टाचारी दुनिया को फिर से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए शिव का अवतरण होता रहेगा। सतयुगी दुनिया हमारे सुनहरे अतीत की यात्रा है। कलयुगी दुनिया का महाविनाश कल्याणकारी भगवान शिव ही करते हैं। कलश शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ भगवान शिव का गुणगान करते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। सड़क चौक चौराहों तक कल्याणकारी ज्ञान की गंगा बहती रही। झांकी का आप लोग अवलोकन कर रही हैं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से निकाला गया है, जिसमें ये संदेश दिया जा रहा है कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम लोग का परम पिता परमात्मा शिव एक ही पिता है, जिसको हम अलग अलग नामों से याद करते हैं। जैसे मुस्लिम भाई उसको वही मैसेज आज आप दे रहे हैं। हाँ, वही मैसेज। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय लौकिक शरीर का नाम दिलीप कुमार हुआ। और ये झांकी जो निकली है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिवरात्रि के उपलक्ष्य। शिवरात्रि यानी कलयुगी रूपी रात्रि में परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। आचारों और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस दुख अशांति में तो हम किसे याद करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं। तो परमात्मा हमें संदेश देते हैं कि हम सब आत्माएं एक पिता की संतान हैं, जिसने झांकी में दिखाया कि सभी धर्मों के पिता एक हैं। किसी ने नूर कहा, नूर कहते प्रकाश को, किसी ने कहा लाइट कहा और हमने कहा ज्योति बिंदु। तो किसी ने किसी रूप में परमात्मा का निराकार स्वरूप का ही हम संदेश देते कि हम सब आपस आत्माएं भाई भाई हैं। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है